सत्यानाश हो जाए इन लोगों का। तूने अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाई और उसको देखो तेरे हाथ में आया और टिकट गवा दिया उसने। राम 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 राम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या है ये? पापा की फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे पापा के हाथ में हमारी एक फाइल है जो वो ऑपोजिट पार्टी के एक बंदे को पकड़ा रहे हैं। क्यों? आदि तुम कुछ भी बोलोगे क्या? हमारे पापा ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे पापा है और हमारी लाइफ की बैंड बजाना तुम्हारी फैमिली का फेवरेट हॉबी है। आदि बस हो गया है। देखो हमारे बारे में जो कहना है कह लो, हमारे पापा पे नहीं जाओगे तुम। एक काम करो, अपने पापा को कॉल करो और पूछो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉल लगाओ उन्हें। ठीक है, पूछते हैं और बता देते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सर मान लिया तुमने, और तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देते हैं। हाँ काव्या, क्या हुआ? आपने आदि की ब्राउन वाली फाइल किसी को दी है क्या? कौन सी ब्राउन फाइल? वो आपकी एक फोटो मिली है, उसमें आप एक ब्राउन कलर की फाइल एक आदमी को पकड़ा रहे हैं। वो हमारे घर के बाहर की फोटो है। अरे हाँ, वो तो डिलीवरी बॉय था। क्यों? काहे की डिलीवरी? उस आदमी ने दी आपको वो फाइल? नहीं, वो हमसे टकरा गया था भाई रास्ते में, तो फाइल गिर गई थी उसकी, उसको लौटा दिया बस। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, हम कॉल करते हैं। अरे का सुन लिया? आदि किसी ने जानबूझ के ही किया, वरना कोई जाके हमारे पापा की फोटो क्यों लेगा? सोचने वाली बात है ना। देखो कोई है इस घर में जो नहीं चाहता है कि तुम इलेक्शन लड़ो या तुम एमएलए बनो, पर तुम्हें वो नहीं दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है और हम ये भी जानते हैं कि वो कौन है। तुम कभी चाहती ही नहीं थी कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, नेता बने, कामयाब बने, है ना? हमारी कामयाबी तुम्हें खटक रही होगी काव्या, पर अच्छा है जो तुम नहीं चाहती ना, उसे करने में भी और भी मजा आता है। अच्छा, तो हम नहीं चाहते कि तुम हम पे यकीन करो, करोगे? हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार करो, करोगे? अच्छी चलती लेकिन चलेगी नहीं। आई एम सॉरी। तुम और तुम्हारी फैमिली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले काव्या, हम इलेक्शंस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कह देना अपने पापा से चाल अच्छी थी, चली नहीं। आदि हमारे पापा पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पे नहीं। झूठा इल्जाम, सबूत तुम्हारे आंखों के सामने है। कह दो अपने पापा से फाइल चुराना बंद करे, इल्जाम लगने बंद हो जाएंगे। हमारे परिवार वालों ने फंसाया है उन्हें। ऐसी नीच हरकतें करने की आदत तुम लोगों की है। नीच हरकतें? इतने नीचे तो घर से निकल क्यों नहीं जाती तुम? दफा हो जाओ, दरवाजा खुला है। गेट आउट। तलाक नहीं हुआ है अभी तक, ये घर हमारा भी है। और हाँ, अगर निकालना चाहते हो ठीक है निकाल दो, लेकिन उसके पहले ना अपने पापा से पूछना मत भूलना, कहीं हमारे जाने से ऐसा ना हो कि तुम्हारे नंबर गिर जाओ, उनका एमएलए के बाप बनने का सपना। ओ शट अप। एमएलए का बाप तो वो जरूर बनेंगे और वो भी तुम्हारी मदद के बगैर, लेकिन तुम एमएलए की बीवी नहीं बनोगी, आई प्रॉमिस यू दैट। क्योंकि आज का दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है। सुन लीजिए सब लोग, काव्या ये घर छोड़ के जा रही है, हम उसे निकाल रहे हैं और कोई हमें रोकेगा नहीं। ये क्या बोल? नहीं पापा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, रेटिंग कम हो जाएगी? हो जाने दो। आदि बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही ना कि हमने अपनी बीवी को निकाल दिया। कहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी हेल्प कर दे। हाँ, अच्छे खासे कनेक्शन है प्रेस में हमारे, इंटरव्यू दिलवा दे तुम्हें। कह दो कि ससुराल वालों ने इतना सता कि तुम्हें घर छोड़ के मायके जाना पड़ा। और कोई पब्लिसिटी अच्छी होती है, अच्छी हो या बुरी ना। निकलो, इस घर से निकलने का टाइम आ गया है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मतलब पब्लिसिटी है ना, तो एक काम करते हैं, काम यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमारे बिछड़ने का वीडियो बनाते हैं। भाभी ये लीजिए, कैमरा चालू है, वीडियो बनाइएगा। ओके? और आदि तुम देखो, तुम हमारा हाथ पकड़ो, हमें ऐसे धक्का मारो और हमें बोलो कि हमारे घर से निकल जाओ, इतना करना है। भाभी रुको एक सेकेंड, चलो हाथ पकड़ो। भाभी एक्शन, कम ऑन। हमारा दिमाग सच में खराब हो गया है। क्या हुआ? हम वही कर रहे हैं ना जो दिख रहा है। तलाक की डॉक्यूमेंट्री हमारी, और देखना ऐसे वायरल हो जाएगी जैसे सेलिब्रिटीज की शादी होती है ना, क्या पता कोई खरीद भी ले। थोड़ा आइडिया, एक टाइटल भी है हमारे पास, कातिल बहू। एक काम करते, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, एक रिपोर्टर का नंबर है हमारे पास। हम भी जानते हैं एक रिपोर्टर को और हम भी कॉल करेंगे, लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री का नाम होगा प्यार किया तो डरना क्या। हमारे पास इससे भी अच्छा टाइटल है, कांड टू। राजा और रानी की प्रेम कांड। मर्डर 3। सुबह से शाम तक का रिपोर्टर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसने कहा था कि अगर हमें कोई तंग करे तो हम इसको फोन कर दें। ए, सुबह से शाम तक परमीत खुल्लर? तुम भी परमीत खुल्लर को कॉल कर रहे हो? कह रहा था ये भी अगर तंग करे तो कॉल कर देना। काव्या, आदि, तुम क्या कर रही है? क्या बचकर नहीं हरकत कर रहा? पापा इसे बोल दीजिए आप चुपचाप इस घर से निकल जाए। नहीं पापा जी, आप इसको बोल दीजिए कि अगर इसके अंदर हिम्मत है तो अभी के अभी हमें खुद से बाहर करे, नहीं तो हम कहीं नहीं जाने वाले। बहुत हिम्मत है हमें। भाभी, भाभी, वीडियो, एक्शन, एक्शन। बड़ी दया आ रही है बबुआ तुझ पे। जी छोटा ना कर, ठीक है? हमने ना बहुत जंगली बिल्लियां देखी है। देख, हमारी बात मान, थोड़ी देर शांत रहे। सारा दिन तो चौकड़ी मार के घर पे नहीं बैठेगी ना, कभी तो घर से बाहर निकलेगी। इसे सामान उठा के बाहर पटक देना सारा। अम्मा, ऐसे नहीं चल पाएगा, हम सच बता रहे हैं। चाणक्य हैं आप हमारी, दिमाग लगाइए। नहीं तो हम आदि को विस्फोट कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि ये हमें बम पे बैठा देगी। अगर इसको पता चल गया कि उमी के मौत के पीछे हमारा हाथ है तो हम दोनों हवालात के हवा खाएंगे, बता दे रहे हैं। ना 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 जे ना हो सके, इतना शरीर मत दे उस छोकरी को। अरे वो तो कमरे में बंद बैठी है, अभी वहीं से फोन किया था उसने। मैं अब वहाँ बैठे बैठे फोन पे धमका आ सका है बस, और कुछ ना उखाड़ सके वहाँ बैठे बैठे। अरे कोई कमरे में बंद नहीं है, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने यहाँ खड़ी है। ये देखिए, ना 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 जे ना हो सके, वो अभी तो कमरे से फोन किया उसने। जे कोई और होगी। कोई और नहीं है अम्मा, वही है। और तुम रुको, हम खुद जाके देखते हैं माजरा क्या है, और हम तुमको फोन करेंगे। जे वहां है तो कमरे में कौन है? हाँ बड़ी अम्मा। आदि, तुम्हारी बीवी कहाँ है? कुछ भी नहीं है इसमें। वेट मैम, ये आखिरी वीडियो, इसे भी देख लीजिए। कुछ तो मिला नहीं, दिखाओ। राइट में ये देखना संजीव, ये हमारी गाड़ी है और उसके पीछे देखो एक और गाड़ी है। अब प्ले करिए। काव्या, ये वो यार बताओ कहाँ है तुम्हारी सहेली? यही थी बड़ी अम्मा जी। यहाँ पे तो नहीं? झूठ बोला था तुमने कि तुम्हारी बात हुई थी उससे। नहीं मम्मी जी, सुबह बात हुई थी हमारी, वो यही। हवा से बात की थी का तुमने? बड़ी अम्मा, अब भाभी को क्यों डांट रही है? क्योंकि तुम्हारी बीवी की संगत में जे भी बिगड़ रही है। वो झूठ बोलती है, ये भी झूठ बोलने लगी है, और वो तो खूनी भी है। आपका खून करोगी। काव्या के गुनाहों पे पर्दा डालने वाले घर में बढ़ते जा रहे हैं। नहीं नहीं आदि भैया ऐसी बात नहीं। भाभी प्लीज कुछ मत बोलिए, हम आपकी इज्जत करते इसलिए हम चुप हैं, लेकिन जो भी काव्य को सपोर्ट करेगा वो हमारे खिलाफ होगा। कहाँ है वो? किससे मिलने गई है? और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मम्मी जी आप हमारा यकीन कीजिए, काव्या यही है, हमें कुछ नहीं पता। तो ठीक है आदि, तुम्हारी बीवी जो है हमारे परिवार को तोड़ रही है और जे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संतो जी, बड़ी अम्मा काव्या का सारा सामान उठा के घर से बाहर रख दो। जी सुना नहीं, बहरे हो गए हो। भैया जी कैसे बड़ी अम्मा कह रही है वैसा करो। अरे जल्दी कर वरना नौकरी से जाएगा। रुको, काव्या का सामान कहीं नहीं जाएगा। का बक रहे हो राजू, इतना सब होने के बाद भी उस छोरी को घर में रखना चाहते हो? हाँ माँ। आदि तुम्हें एमएलए का टिकट मिल गया है बेटे। आपको कैसे पता? अरे महासचिव साहब का खुद फोन आया था हमारे पास, वो बोल रहे थे कि तुम्हारी लोकप्रियता की वजह से पार्टी ने एमएलए का टिकट आदिराज प्रधान को दिया। तो बहुत अच्छी खबर है। आदि बेटा अब तुम अपने बड़े भाई ओमी का सपना पूरा करना। हमारे परिवार में, प्रधान परिवार में इस पीढ़ी का पहला एमएलए आदिराज प्रधान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.